देखो जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, अगर आप एक्स को इन्फिनिटी ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, है ना। अब देखो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी कि वो -1 और +1 के बीच में रहेगी, मतलब वो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है ना। अगर साइन की वैल्यू +1 हुई तो पूरा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर -1 हुई तो पूरा आंसर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 हुई तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये लिमिट हो जाएगी नॉट एक्सिस्ट, है ना, क्योंकि साइन की वैल्यू, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, वो -1 +1 या 0 कुछ भी हो सकती है। अगर वो 1 हुई तो 1 × इन्फिनिटी आंसर इन्फिनिटी, अगर वो -1 हुई तो -1 × इन्फिनिटी मतलब आंसर माइनस इन्फिनिटी, अगर वो वैल्यू 0 हुई तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी जो गलत है। इसलिए ये लिमिट क्या हो जाएगी बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। देखो मान लीजिए एक क्वेश्चन करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेस टू दी पावर -x × sin x, ऐसे करना है मान लो। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। देखो ऐसे हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, यहां पर ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था आपको e की पावर x का मतलब a की पावर x a ग्रेटर देन 1 वाला देखो ग्राफ बनेगा। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ध्यान दो ऐसे करते ये पॉइंट होगा 0,1। देखो अगर हम x को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो e की पावर x भी इन्फिनिटी पर जाएगा, ये मैंने आपको ग्राफिकल में बताया था। अगर हम x को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे देखो ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, जब आप x को इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो e की पावर x की वैल्यू भी इन्फिनिटी में रहेगी। देखो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, है ना। अब देखो 1 बाई इन्फिनिटी और साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 और +1 के बीच में। अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, है ना, तो ये हो जाएगा 0 × -1 एंड +1 के बीच में, तो आंसर भी देखो यहां पर 0 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ध्यान रखो, और साइन इन्फिनिटी कुछ भी हो वो -1 और 1 के बीच में ही होगा, तो जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आ जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें करना है, यहां पर ये अपने पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 √x, एक क्वेश्चन देखो अपने पास है यहां पर। अब देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन में, देखो एक प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो अगर हम y बराबर √x लें, अब √x जो है वो x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, लेस देन 0 इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन 0 के राइट में डिफाइन है, यानी इस फंक्शन की आप सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं 0 पर, है ना। देखो 0 पर कंप्लीट लिमिट निकालनी है, तो इस फंक्शन की सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही निकाल सकते हैं, इस फंक्शन की 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकल पाएगी, ध्यान दो। तो देखो ऐसे में क्या होता है, जैसे यहां पर लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस लिमिट को हम राइट हैंड लिमिट ही मान लेंगे, कुछ लोग कहते हैं 0 पर कंप्लीट लिमिट निकालनी है लेकिन ये फंक्शन 0 के लेफ्ट में डिफाइन नहीं है तो इस लिमिट को हम राइट हैंड लिमिट ही मान लेंगे, और जब आप इसको राइट हैंड लिमिट मान लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के राइट से देखो y बराबर √x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये मैंने बताया होगा पहले भी आपको, y बराबर √x का ग्राफ ऐसे आता है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये कॉनकेव डाउन है ना, और वाई की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, देखो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान दो, है ना। तो इसका
इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा अगर आप करेंगे तो, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉनकेव डाउन है, तो डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आएगा अगर आप करेंगे तो, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अगर हम जीरो पर राइट हैंड साइड से देखें तो फंक्शन की वैल्यू देखो जीरो आ रही है, अगर हम जीरो पर राइट साइड से देखें तो फंक्शन की देखो वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब देखो कुछ लोग कहते हैं कि जीरो पर कंप्लीट लिमिट का मतलब जीरो पर राइट है लिमिट, है ना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें जीरो पर कंप्लीट लिमिट निकालनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट तो जीरो है ना, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि जीरो पर कंप्लीट लिमिट का मतलब जीरो पर राइट हैंड लिमिट मान लेना चाहिए क्योंकि जीरो पर लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जीरो पर कंप्लीट लिमिट का मतलब जीरो पर राइट हैंड लिमिट मान लेना चाहिए और जीरो पर राइट हैंड लिमिट मान के इसका आंसर जीरो आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जीरो पर लिमिट निकालनी है तो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों को देखना होगा और अगर हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो जीरो आएगी, लेकिन अगर हम जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो आई ही नहीं क्योंकि जीरो के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिट क्या हो जाएगी, बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, है ना। तो यहां पर लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, ध्यान देना, कुछ किताबें इसको फॉलो करती हैं, कुछ किताबें इसको फॉलो करती हैं। हालांकि आईआईटी ने अभी तक इस टाइप का कोई सवाल आज तक नहीं पूछा, है ना, आईआईटी ऐसे कंफ्यूजिंग मुद्दों को नहीं उठाता, है ना। लेकिन ध्यान दो, मेरी नजरों में ये बात सही है, मैं मानता हूं कि जीरो पर लिमिट निकालनी है तो जीरो पर राइट हैंड लिमिट को निकाल लेना चाहिए ऐसे केसेस में, है ना। तो मेरी नजरों में ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग के अपने ये भी व्यूज हैं, तो ये भी कुछ लोगों का अपने हिसाब से सोचना सही है, है ना। तो ये मैंने बता दिया क्योंकि इसमें अलग अलग किताबों में आपको हो सकता अलग अलग आंसर दे दिए जाए, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखो हम लोग साइन एक्स में भी कर चुके हैं, तो यही क्वेश्चन देखो साइन इनवर्स में भी आ गया। देखो ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, मान लो ऐसा क्वेश्चन अपने पास है, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स। अब देखो क्या होगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, देखो ध्यान दो, देखो होता क्या है यहां पर। अब देखो अगर हम x को 0 रखें तो देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। अब अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी तो हम इसमें लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो साइन वर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 यानी 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो एक तरीका ये हो गया, इसमें हमने लॉपिटल रूल से अपने क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है, इसमें हमने लॉपिटल रूल से अपने क्वेश्चन को कर दिया। अब देखो इसी का एक तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, देखो x को साइन थीटा मान लेंगे, ठीक। इससे देखो क्या फायदा होगा, जब हम x टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर आप x को जीरो पुट करेंगे तो थीटा भी अपने आप ही जीरो हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक। देखो ये वैल्यूज यहां रख दें तो लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या हो गया, बोलो, साइन थीटा। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है जैसे अपने पास, है ना। अब देखो क्या होगा, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू थीटा है कि बराबर होगी, देखो जीरो के नियर अबाउट, क्योंकि हमको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है ना। हमको देखो ये बात मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर होता है अगर एक्स माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में है, ध्यान दो। तो इसलिए थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि देखो हम जीरो के आसपास देख रहे हैं, जीरो पर लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब जीरो के आसपास देख रहे हैं। तो देखो इसकी वैल्यू लिख देंगे थीटा,
तो देखो ये हो गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो थीटा बाई साइन थीटा, और थीटा बाई साइन थीटा क्या हो रहा है अपन, देखो उसी का उल्टा है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन है, तो इसका मतलब इसका उल्टा भी वन होगा, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स अगर हम लेंगे तो वो भी वन ही आएगा, ध्यान देना, इसीलिए थीटा टेंडिंग टू जीरो थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलो वन हो गई। देखो ये हमने क्वेश्चन किया, अब हम देखो इसी में थोड़ा चेंज कर दें, अब देखो इसी क्वेश्चन में हम क्या करें ग्रेटेस्ट इंटीजर को लगा दें, है ना, इसी क्वेश्चन में देखो हम थोड़ा चेंज करें और हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को लगा दें, देखो क्या होगा, देखो मान लो हम ऐसे क्वेश्चन ले लें, हम ले लें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, मान लो ऐसा क्वेश्चन ले लें, ठीक। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो हमें सबसे पहले निकालना चाहिए क्या बोलो राइट हैंड लिमिट को, ठीक। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, देखो ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये ग्राफ होता है साइन एक्स का, है ना, ऐसे करके, और ये ग्राफ होता है वाई बराबर एक्स लाइन का, है ना, और ये ग्राफ होता है देखो साइन इनवर्स एक्स का, ऐसे ये साइन एक्स है, ये वाई बराबर एक्स लाइन है और ये साइन इनवर्स एक्स है, देखो क्या हो रहा है, अगर हम जीरो के आगे देखें तो साइन इनवर्स एक्स एक्स से ज्यादा है, देखो जीरो के आगे अगर हम देखें ग्रेटर देन जीरो पर देखें तो साइन इनवर्स एक्स एक्स से ज्यादा है, ध्यान दो, है ना, जीरो के आगे। अब देखो एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स पॉजिटिव है तो साइन वर्स एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन वन, अब ग्रेटर देन वन का मतलब ये वन से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, वन से बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो जब ये टर्म ग्रेटर देन वन हो गया तो देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालेंगे तो वन आ जाएगा, पर इसीलिए इसका आंसर भी वन ही आ जाएगा, ध्यान दो, ठीक। अब देखो इसी में हम निकालें क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन वर्स एक्स बाई एक्स, देखो ध्यान दो। अब देखो अगर हम जीरो के पीछे देखें, देखो अगर हम लेस देन जीरो पर देखें तो एक्स जो है वो साइन वर्स, देखो एक्स साइन वर्स एक्स से ज्यादा है, देखो ये है एक्स लाइन, ये साइन वर्स एक्स, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स से ज्यादा है, ध्यान दो, ठीक। अब देखो x नेगेटिव है तो जब हम x से डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या होगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान दो, है ना, x एक्चुअली नेगेटिव है, जब x से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, इसका मतलब क्या हुआ देखो साइन वर्स एक्स वाई एक्स वन से बड़ा हो गया, अब वन से बड़े का मतलब वन से थोड़ा सा बड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन आ जाएगा और हमारा आंसर भी वन आ जाएगा, दोनों साइड की लिमिट वन है यानी इस पूरी लिमिट का आंसर भी वन आ जाएगा और देखो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ध्यान दो, ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन, देखो जैसे मान लो अगर हम आपको ये क्वेश्चन दें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स बाई एक्स, मान लो ये क्वेश्चन दे तो देखो क्या होगा, ऑब्वियस है अगर हमने आपको ये क्वेश्चन दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स बाई एक्स तो क्या होगा, देखो हम एक्स से एक्स को कैंसिल कर देंगे और वैल्यू वन आ जाएगी, आंसर वन आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई साइन एक्स, मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, अब देखो होगा क्या, इसको काट के वन वन लिख देना,
मतलब तुमने सोचा इसे काट के वन लिख दिया, आंसर वन गलत हो जाएगा, ध्यान देना। देखो वजह क्या, वजह ये है अगर आप x को इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो साइन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्या पता साइन x की वैल्यू जीरो हो गई तब, तो अगर साइन x की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो बाय जीरो केस बन जाएगा, वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर साइन x जीरो नहीं हुआ तो काट के वन लिखा जा सकता है ना। तो यहां पर देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर आप x को इन्फिनिटी पर ले गए तो साइन x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, क्योंकि साइन की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी, क्या होगी नहीं मालूम। अगर ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ, जीरो बाय जीरो केस बन जाएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इस पूरी लिमिट को हम कहेंगे, ध्यान देना, डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x बाई x, इस लिमिट को हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन इन्फिनिटी क्या होगा ये बात हमको मालूम नहीं है, क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो जीरो बाय जीरो केस हो जाएगा, तो इसलिए इस लिमिट को हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लिखो सब अच्छे ध्यान से इस बातों को, आइए मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। देखो